वक्त हम जिला चनेट के अंदर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम जंग में जाएंगे, जंग जिला जंग में इंटर होंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये ट्रेडिशन और ये साफ और शफाफ लोग और ये शफाफियत और ये ट्रेडिशन। हर ज़िले की अपनी अपनी एक सकाफत है और यहाँ की सकाफत अभी भी पुरानी सकाफत है। पहलों की जोड़ी जो थी, हल चलाकर ज़मीन को जरहेज करते थे पुराने वक्तों में, हमारे यहाँ भी चलता था। तो अभी हम ज़िला चनेट के अंदर मौजूद हैं और ये सामने आप देख सकते हैं बहुत प्यारे नज़ारे। और हर ज़िले की अपनी एक ट्रेडिशन होती है और ये मुझे बहुत बैलों के साथ जमीन में हल चलाना हमारा सदियों पुराना विरसा और तारीख है। ट्रैक्टर ने अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर ही इस इंतहाई जफाकश काम को मतरूक बना दिया है। मेरा ताल्लुक गालबन उस आखिरी नस्ल से है जिसने इस तरीक की जमींदारी होते हुए देखी, लिहाजा मेरा जिला चलने और जाना हुआ तो वहां मैंने इस पुराने रवायती तरीके को फिर एक बार फिर से देखा और सोचा क्यों ना इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको दी जाए। बैलों के गले में लकड़ी का जो शिकंजा नमा फ्रेम लगा है, इसको पंजाली कहते हैं। पंजाली के दोनों अतराफ लकड़ी के मजबूत लाख नुमा डंडे हैं जिनको खोलकर बैल की गर्दन को पंजाली में जकड़ा जाता है। इस डंडे को लोहड़ा कहते हैं। पंजाली के वस्त में दोनों बैलों के दरमियान से लकड़ी की एक शहतीर पीछे की जानब जाती है जिसे हल कहते हैं। इस हल की निचली जानब लोहे का एक तेज भाला लगा होता है जिससे जमीन का सीना चीर आ जाता है। इस भाले को फाल भी कहते हैं। बैल जब जोर लगाते हैं तो पंजाली इनकी गर्दन से मुल्हिका उबरी हुई जगह के साथ टिक जाती है और पीछे को नहीं सरकती। इस उबरी हुई जगह को बैल की घट कहते हैं। धनी नस्ल के बैलों की घट बहुत शानदार होती है। हल के बिलाई हिस्से को मुट्ठा कहते हैं जिसे पकड़कर किसान हल की सीमत सीधी रखता है। डंडे और बैल की रस्सियों जिन्हें वाग भी कहते हैं की मदद से बैलों की सीमत भी सीधी रखता है। हल चलाना हर बैल के बस की बात नहीं होती, इसके लिए बकायदा नौजवान बैल को ट्रेनिंग दी जाती है। इस अमल को हल कंडा कहते हैं। गर्मियों की सख्त तपती दोपहर में हल चलाना बैलों और किसान दोनों के लिए ही बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है और दोनों का ही पसीना खून के साथ मिलकर बहता है। तब जाकर धरती सोना उगलने के काबिल होती है और महलूक खुदा के लिए सामान्य नशोनुमा पैदा होता है। ते मजदूरी भी करदा, 3000 किले दा ले लेना पेड़ी दा। अच्छा, वाह दे ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੇਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਜਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਪ ਆਦਮ ਕੋਲ ਬਣੇ ਮਡੋਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਤਾਜੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਰੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਪੜੀ ਤੇ ਜੋਰ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਆ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ ਵਾਹ ਹੀ ਖੜਾ। दंदान इन्हां नूं आख्या जांदा सी पुराने वक्तां दे विच, असीं इन्हां नूं बैलां दी जोड़ी और इन्हां नूं दंदान आख्या जांदा। और ये कह रहे ने कि साडे दंदान जिहड़े ने ओह माशाल्लाह ले ठीक ने और ये भी माशाल्लाह ले जिहड़े ने तंदरुस्त ने और ये अपना जिहड़ा साडा पुराना काम सी उन्हां नूं हाले तिकरां करदे ने पे। ठीक है जी, तुसीं ते बच्चे भी 4-5 आए नूं ते अपना धंधा भी करन ने तंदरुस्ती है वरदे शाह दे नाल गिर जो। हां जी, ये जी सादा लोग थे। और अभी भी हमारे जो पंजाब के अंदर ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। अपना काम धंधा लग पाया।